नए साल में करेंगे नई मोहब्बत हम, नए साल में करेंगे नई मोहब्बत हम, किसी की याद का ये आखिरी महीना है। के लड़की लोग के ज़्यादा नखरा ना होला, वो लोग के रवा सबसे कुछ ना चाहिए, बस वो लोग के चाहें कि रवा वहाँ के साथ अदब से पेश आए, जैसे कि रवा अभी हमारा साथ आ रहा बनी, और तू तड़क ना आप कह के बुलाएं जी। बस ये है, और लड़की लोग के लाइफ बहुत सिंपल बाटे, और इजा के लड़की लोग बड़ा अच्छा वा लोग। अभी मेरे बगल में जिनको देख रहे हैं ये रेडियो वर्सेस से आरजे लक्ष्मी मैम बैठी हुई हैं। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी लोगों को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और आपका भी। मैम सबसे पहले आप बिहार से आती हैं जी? हाँ। और उसमें भी गोपालगंज जिला से आती हैं, यहाँ पे भोजपुरी ज़्यादातर चलता है, कुछ भोजपुरी में मेरे दर्शकों को सुनाइए। भोजपुरी में का हाल बाटे रुआ सबके, कैसन बानी, और रेडियो सुने नहीं कि ना ये हमरे के रुआ सब जरूर बताए। अच्छा ये बताइए कि आप रेडियो वर्षा में जो बोलती हैं आपका रियल आवाज होता है? जी हाँ, मैं जैसे अभी बात कर रही हूँ सेम रेडियो पे भी ऐसा ही होता है। ये काफी लोगों के मन में ख्याल आता है कि क्या जो रेडियो वर्षा में आरजे जो बोलते हैं क्या उनका रियल में आवाज होता है या कोई बनावटी आवाज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो रियल आवाज ही होता है, रियल उन्हीं का आवाज होता है। यदि और लड़कियां चाहे रेडियो वर्षा में जुड़कर काम करना चाहे, अपना भविष्य में करियर बनाना चाहे, तो उनको क्या संदेश देना चाहे? बिल्कुल बना सकती हैं, रेडियो में बहुत अच्छी लाइफ है जी। आप सारे आरजे को उठा के देख लीजिए, आरजे नवनीत हो गए, आरजे ऋतिक हो गए जी, आरजे अंजलि हो गई, बहुत सारे आरजे हैं जो बिंदास लाइफ जीते हैं, और आरजे होते ही हैं बिंदास लाइफ जीने वाले। आपका ख्याल कहाँ से आया कि मुझे आरजे बनना चाहिए, शौक था या कोई प्लानिंग था? ना शौक था ना प्लानिंग था, बस मेरे दोस्त जो हैं उनको ऐसा लगा कि तुझे एक बार रेडियो में ट्राई करना चाहिए, फिर मैंने ट्राई किया और मे भी हो गया। अच्छा लगता है काम करके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। दर्शक की तरफ से प्यार मिलता है? बहुत ज़्यादा, भर भर के प्यार मिलता है। जैसे कि अगर मेरे शो का टाइम है ना 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, एक घंटे का, तो 10 बजे के पहले ही वो लोग आ जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं एप्लीकेशन पे, और उनका मैसेज भी आ जाता है। अच्छा, ऐसा बताइए मैम, जिस तरह देखा जा रहा है कि भोजपुरी में काफ़ी लोग अश्लील गाना गा रहे हैं, ठीक है, और लोग सुन भी रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या भोजपुरी में अश्लील होगा तभी पैसा कमा सकते हैं, या भोजपुरी में अश्लील वीडियो आएगा तभी पैसा कमा सकते हैं, या अच्छा भी करके कमा सकते हैं? ऐसा तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अश्लील ना बातें करें, ना गाना बनाए, ना मूवी बनाए। देखिए, अगर आपको व्यूज़ पाना है, लाइक पाना है, और ये सब वायरल होने के लिए लोग कर रहे हैं, गंदे गंदे गाने बना दे रहे हैं ताकि व्यूज़ बढ़े, लोग जाने, तो आप अच्छे काम करके भी तो लोगों के बीच आ सकते हैं। और अगर आप गंदे तरीके से आएंगे तो लोगों के बीच में आप अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, लोग आपको उसी तरह से देखेंगे, तो ये बहुत गलत बात है, नहीं बनाना चाहिए। अच्छा मैम, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा? मैंने अभी MA कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, ये बताइए कि आपका भविष्य में क्या शौक है, एम क्या है? बस इसी लाइफ को आगे लेके जाना है, इसी में अपना करियर बनाना। बिल्कुल। अच्छा मैम, आप गोपालगंज से आती हैं, कुछ भोजपुरी में गोपालगंज वासियों को कुछ गोपालगंज के बारे में? भोजपुरी में सुना है जी, गोपालगंज के लड़की लोग के ज़्यादा नखरा ना होला, वो लोग के रवा सबसे कुछ ना चाहें, बस वो लोग के चाहें कि रवा वहाँ के साथ अदब से पेश आए, जैसे कि रवा अभी हमारा साथ आ रहा बनी, और तू तड़क ना आप कह के बुलाएं जी। बस ये है, और लड़की लोग के लाइफ बहुत सिंपल बाटे, और इजा के लड़की लोग बड़ा अच्छा वा लोग। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि गोपालगंज की लड़कियों के ज़्यादा नखरे नहीं होते, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस आपसे ये चाहिए कि आप उनके साथ अदब से पेश आए, उन्हें तू तड़ाक नहीं आप कह के बुलाए, उनको महंगे मॉल में नहीं बल्कि बाहरी मार्केट के गलियों से शॉपिंग करवाए, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, और महंगे रेस्टोरेंट से नहीं, पोस्ट ऑफिस के पास जो छोले भटूरे का ठेला लगता है वहाँ से उनको छोले भटूरे खिलाए, अच्छा लगेगा। मैम ये बताइए कि ये लिखा हुआ किसका है? ये मैंने ही लिखा है, खुद से कभी कभी ट्राई करती रहती हूँ। क्या आप लड़की हैं इसीलिए सिर्फ लड़कियों के बारे में लिखी हैं? शायद हो सके। बाहर से ऑफर आए हैं या नहीं आरजे बनने के लिए? बहुत सारे ऑफर आए हैं, लेकिन गोपालगंज के लोगों से, दर्शकों से इतनी मोहब्बत हो गई है ना कि मुझे यहाँ से
जाने का मन नहीं करता है। अच्छा। और रेडियो वर्षा छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि देखिए आपको दूसरे शहर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको रहने में बहुत टाइम लग जाएगा, रह सकते हैं लेकिन एक जो सुकून होता है वो गोपालगंज में ही है। आप गोपालगंज छोड़ के जाना नहीं चाहती हैं, गोपालगंज वासियों से काफी प्यार हो गया है। जी हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं। मैम साल का अंतिम महीना चल रहा है। जी हाँ। और अंतिम वीक भी चल रहा है। जी। कुछ अपने दर्शकों को सुनाइए नए साल के बारे में। नए साल में करेंगे नई मोहब्बत हम, नए साल में करेंगे नई मोहब्बत हम, किसी की याद का ये आखिरी महीना है। किसका याद है मैम? आपने शायरी के लिए बोला, मैंने सुना लिया। अब चेहरे देख के क्या लगता है कि मुझे भी किसी की याद आती होगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है। बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, मैम का आवाज काफी सुरीला है। मैम ये आवाज शुरू से ही ऐसा है या बाद में ऐसा कुछ चेंजिंग के लिए? नहीं, शुरू से ही ऐसा है और उसके बाद से जब लोगों की इतनी मोहब्बत मिलने लगी तो मिठास आ गया। अच्छा जी हाँ। अच्छा, आप जो 98.8 पे जो बोलती हैं जी, आप ही हैं? जी बिल्कुल, इसमें भी कोई शक है कि आपको? नहीं, मतलब जो बोलती हैं वो रियल में आप ही का आवाज होता है? जी हाँ। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है मन में जी कि इन लोगों का जो आवाज ऐसा सुरीला होता है, ये कैसे होता है? अभी मैंने बताया ना कि वो लोग इतना मोहब्बत देते हैं कि उनकी मोहब्बत से मिठास आ जाता है हमारे आवाज़ में और एक एनर्जी वाइब्स आती है। जब आप स्टूडियो पहुँचिएगा ना तो फिर लोगों के मैसेज आए हुए होते हैं, वो देख के इतनी खुशी होती है, तो एक मिठास आ जाती है। मैम अभी जैसा कि देखा जा रहा है, पहले काफ़ी रेडियो ज़्यादातर यूज करते थे सभी लोग, लेकिन अभी जैसे जैसे नए पीढ़ियाँ आ रही है वैसे लोग रेडियो यूज करना कम कर रहे हैं पहले के तुलना में। यानी ऐसा हम नहीं कह रहे हैं लोग रेडियो यूज नहीं कर रहे हैं, रेडियो लोग यूज कर रहे हैं लेकिन पहले के तुलना में थोड़ा कम कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर लोग यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों ने रेडियो को अभी भी नहीं छोड़ा है। हाँ। क्योंकि अगर लोगों ने रेडियो को छोड़ दिया होता तो मेरे ख्याल से रेडियो स्टेशन बंद हो जाने चाहिए। तो अभी भी यूट्यूब आ गया है, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, उसके बावजूद भी लोग रेडियो से जुड़ते हैं क्योंकि रेडियो जो है ना वो अपनापन एहसास दिलाता है। आप अगर रेडियो सुनिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं, आपको लगेगा कि आपसे कोई बात कर रहा है, आपकी दिल की बात कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है। यूट्यूब से ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल बोर नहीं होगा आदमी? नहीं, बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आप बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। और रेडियो जो है ना, मैं भी पहले बहुत रेडियो सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था, और रेडियो कभी भी आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता है। अच्छा मैम, अधिकांश लोगों के घर में ऐसा देखा जा रहा है कि अभी रेडियो नहीं है, वो लोग चाहते हैं आपका आवाज़ सुनना, रेडियो वर्षा पिलता है डेली का एपिसोड वो सुनना, तो कहाँ से सुन सकते हैं? एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो सुन सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशन है? मेरे प्ले स्टोर पे 90.8 FM का एप्लीकेशन है, आपको मिल जाएगा और आप सुन सकते हैं। तो चलिए मैम, अपना काफ़ी कीमती समय दी, इसके लिए मैम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो भी अगला आप लोगों का प्रश्न रहेगा मैम से हम जरूर पूछने का प्रयास करेंगे। नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, और लोक ताकत को सपोर्ट करिए। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबका इंटरव्यू लेते हैं, हर एक जगह जाते हैं, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बहुत अच्छा, अच्छी बात है, और मैम ने काफ़ी अच्छा बात बोली। हम मेरा ऐसा प्रयास रहता है कि सभी प्रकार के हम वीडियो आप लोगों के लिए ले, इसीलिए बिजनेस से भी रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाते हैं, और भी जो भी राजनीतिक मुद्दा होता है उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों का जो मुद्दा होता है, छात्रों का जो मुद्दा होता है, जो छात्रों का प्रश्न होता है, उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।